यहाँ पे वो खेल माहौल कभी बन ही नहीं पाया इसलिए। और अगर आप रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी इनको देखोगे तो वहाँ से खिलाड़ी निकलते रहे हैं। वहाँ से अगर रेवाड़ी हो या महेंद्रगढ़ हो या वो जिले हरियाणा के जहाँ से खिलाड़ी नहीं है तभी निकले, तो वहाँ पे अलग अलग खेलोगे कोई अच्छे सेंटर हो। हरियाणा, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, ये इन जिलों के बच्चे ज़्यादा निकलते क्योंकि वहाँ पे जुनून है, जोश है और कुछ करने का जज्बा है। वहाँ पे सेंटर हैं, यहाँ पे वो सेंटर ही नहीं है। सरकार कितनी स्कीमें कितनी कुछ कर ले तब तक यहाँ के बच्चों में उत्साह नहीं होगा, यहाँ के पेरेंट्स में उत्साह नहीं होगा, तब तक नहीं निकल पाएंगे खिलाड़ी। और बड़ी अच्छी बात, और मेरी अरविंद जी से भी बात हो रही थी और ये भी मैंने उनको बोला कि आप यहाँ पे कुश्ती की एकेडमी भी चलाओ, लड़कों की भी और लड़कियों की भी। यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, बबीता जी आई हुई हैं। नमस्कार, आप रेणा तक का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मेरे साथ योगेश जी हैं। योगेश जी ने बल्कि हरियाणा का ही नहीं बल्कि देश का और प्रदेश का सभी का नाम रोशन किया है तिरंगा झंडा लहराकर और गोल्ड मेडल लेके। सर, किस तरीके देखते हैं आप हरियाणा में जिस तरीके से युवा हैं गेम में लगाओ या फिर गोल्ड में, प्रदेश में, देश में नाम रोशन कर रहे हैं? देखिए, हरियाणा खेलों में हमेशा अव्वल रहा है, वो बात ओलंपिक की हो, कॉमनवेल्थ गेम्स की हो, एशियन गेम्स की हो। और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने 23 मेडल जीते हैं, देश का प्रतिनिधित्व किया, तिरंगा झंडा फहराया अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में जाके। और सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हरियाणा के थे। और अगर कुश्ती की बात करते हो तो 12 में से 11 खिलाड़ी हरियाणा के थे, जिसमें 6 खिलाड़ियों ने, हमारे पहलवानों ने गोल्ड जीते हैं। और देश का भविष्य बड़ा उज्ज्वल है हमारे खिलाड़ियों का। पर उसके साथ साथ में जो एक चीज़ दुख देती है, कष्ट देती है, वो ये है कि जिस तरीके से खेल में हरियाणा आगे बढ़ता है उसी तरीके से नशे की गिरफ्त में भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स हैं या कोचिज हैं, एक बात उन्होंने एक अनुरोध करूंगा सभी परिवार वाले से, यार दोस्तों से, उनके कोचिज से कि बच्चों का ध्यान जरूर रखें, नशे की गिरफ्त में ना हो वो। और एक डोप की तरफ हमारे खिलाड़ी ज़्यादा रुझान होने लगा, अभी हम जो बातें सुनते हैं वो बड़ा गलत है। इसलिए नशे से दूर रहिए, कोई शक्तिवर्धक दो जो प्रतिबंधित है वो ना लें और अपनी मेहनत पे ध्यान दें। मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होगा, मेहनत करोगे तो सबको कामयाबी दौड़ के पास में आएगी। और हरियाणा का युवाओं का भविष्य बड़ा उज्ज्वल है खेल में, आप कोई ना कोई खेल जरूर खेलिए। दक्षिण हरियाणा की हम बात करें, चाहे हम रेवाड़ी दक्षिण हरियाणा में आता है, लेकिन इधर कोई बच्चा जैसे कि युवा है आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्या कारण है इसका? यहाँ पे वो खेल माहौल कभी बन ही नहीं पाया इसलिए। और अगर आप रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी इनको देखोगे तो वहाँ से खिलाड़ी निकलते रहे हैं, उनको चीज़ें मिलती रही हैं यहाँ पे, पर वो चीज़ें थी नहीं। आज पहली बार अपने पूरे करियर में पहली बार मैं यहाँ पे किसी टूर्नामेंट में आऊँ। इससे पहले एक मैराथन हुई थी रेवाड़ी में, वहाँ तो माया था पर वो तो वैसे था। ये टूर्नामेंट, ये अब हमारी अरविंद यादव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने ये टूर्नामेंट का आयोजन करवाया है। 8 टीमों ने यहाँ पे भाग लिया, आज फाइनल है यहाँ पे। ये जब तक टूर्नामेंट नहीं होंगे, जब तक सेंटर नहीं होंगे प्रैक्टिस के किसी भी गेम के, जब तक बच्चे नहीं निकल पाएंगे। और एक बार जब बच्चे निकलने लग जाते हैं तो फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा बच्चे निकलते हैं। इसलिए कि यहाँ से अगर रेवाड़ी हो या महेंद्रगढ़ हो या वो जिले हरियाणा के जहाँ से खिलाड़ी नहीं है तभी निकले, तो वहाँ पे अलग अलग खेलोगे कोई अच्छे सेंटर हो। सरकार कहीं ना कहीं सरकार की कमियां मानते हैं कि बच्चों को आगे बढ़ नहीं पा रहे, क्या वजह लग रहा है? नहीं, सरकार की शुरुआत तो हमें खुद करनी होगी, कोई सरकारी नहीं किसी घर के अंदर घुस के बच्चों को निकाल के ले आएगी। वो चीज़ें हैं, पूरी हरियाणा सरकार जो भी स्कीमें लाती है पूरे हरियाणा में लगाता है, पूरे हरियाणा में बराबर लागू होती हैं वो। पर ये हरियाणा, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, ये इन जिलों के बच्चे ज़्यादा निकलते क्योंकि वहाँ पे जुनून है, जोश है और कुछ करने का जज्बा है। वहाँ पे सेंटर हैं, यहाँ पे वो सेंटर ही नहीं है। सरकार कितनी स्कीमें कितनी कुछ कर ले तब तक यहाँ के बच्चों में उत्साह नहीं होगा, यहाँ के पेरेंट्स में उत्साह नहीं होगा, तब तक नहीं निकल पाएंगे खिलाड़ी। और बड़ी अच्छी बात, और मेरी अरविंद जी से भी बात हो रही थी और ये भी मैंने उनको बोला कि आप यहाँ पे कुश्ती की एकेडमी भी चलाओ, लड़कों की भी और लड़कियों की भी। यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, बबीता जी आई हुई हैं, और हम जितना भी हमें टाइम लगेगा, हफ्ते में, 10 दिन में 15 दिन में, हम एक दो बार जरूर आएंगे और कोई अच्छा कोच भी देंगे यहाँ पे, बताएंगे कि अच्छा कोच हो जिससे प्रैक्टिस करते रहे और समय समय पर उस चीज़ को हम देखते रहें, तभी यहाँ से बच्चे निकलेंगे। कल खेल मंत्री आए थे लेकिन इधर कोच की बड़ी कमी आई, उसको लेकर आप किस तरीके से युवाओं को बताएं? देखिए, कोचेज की जितने हरियाणा में हैं उस हिसाब से कमियाँ हैं, पर हरियाणा सरकार ने एक बड़ी अच्छी चीज़ ये की है कि जहाँ भी नर्सरी है वहाँ पे कोच नहीं है तो अपने मनपसंद का कोच लगा सकते हैं। उसके 25,000 रुपये या 30,000 को सैलरी है वो सरकार देगी, इसलिए कोचे की समस्या भी अब खत्म है। जब सरकार अपनी तरफ से वो सैलरी दे रही है, हमें कोई भी अच्छा कोच लेके अडोप्ट करना, लेके आना हर को सेंटर पर लगाना। ये थी हमारे साथ खेल खिलाड़ी और सभी कहा कि कोई कमियाँ होगी तो उनको जल्दी जल्दी पूरी की जाएगी। हरियाणा तक के लिए देशराज सिंह चौहान।